Good morning, all of you. Can you hear me? We can start. Please reply in the question box. Can you hear me? Awaaz aa rahi hai? Okay. So again, gap up. क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा. देखो, daily sell signal आता है and next day 50-60 point, 30 points gap up हो रहा है. ये देखो, यहाँ पर भी इसने यही किया गैप अप, यहाँ पे भी इसने यही किया गैप अप. फर्स्ट कैंडल वही बेरिश सेटअप बनाया है, तो थोड़ा वेट करेंगे. पहला कैंडल बेरिश सेटअप है, सस्टेन करने के चांसेस बहुत कम है. पहला कैंडल वही बेरिश सेटअप बनाया है, तो थोड़ा वेट करो. मिस्टर राजेश, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? प्लीज रिप्लाई. पहला कैंडल बेरिश सेटअप बना है, तो थोड़ा वेट करो. कल के जैसा ही होने वाला लग रहा है. ये एग्जैक्टली इस लेवल को इसने वापस रीटेस्ट किया है. रेजिस्टेंस लेगा यहाँ पे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है. ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस है. ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहा है एंड अगेन फॉल चांसेस पॉसिबल है. ठीक है, तो लेट्स वेट, थोड़ा सा वेट करते हैं. 16,000 के नीचे सस्टेन करेगा तो वापस नीचे चला जाएगा. 16,000 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है, वापस नीचे जाएगा. थोड़ा वेट करते हैं. या तो ये फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, तो हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में चेंजेस करेंगे, बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है. या तो ये फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक कर दे, बहुत वोलेटिलिटी. क्रूड में कल सबने प्रॉफिट कर लिया था ना? प्लीज रिप्लाई. क्रूड में कर लिया था ना कल सबने प्रॉफिट? क्रूड ऑयल में सबने कल प्रॉफिट कर लिया था ना? कर लिया था. ठीक ठीक कर दिया ना इसने. हाई क्रॉस, हाई क्रॉस कर दिया इसने. ठीक है, कैंडल क्लोज होने दो. 15 मिनट का कैंडल है, 9:45 को क्लोज होगा. लेट इट क्लोज. जस्ट आपको एक एडजस्टमेंट करना है और कुछ नहीं करना है. सिर्फ एक एडजस्टमेंट करेंगे, फिर कुछ नहीं करना. माइंट्री गिरा, यस, माइंट्री में बहुत बड़ा रेड कैंडल बना. माइंट्री गिरा है, माइंट्री में बहुत बड़ा रेड कैंडल बना है. वेट करते हैं, इसको हाई क्रॉस होने दो. ये हाई तो क्रॉस हो चुका है, सस्टेन करने दो. ये कैंडल क्लोज होता है तो हम लोग फिर एग्रेसिवली कुछ पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे. ऐसा रफ चल रहा है. आज किसी का, आज किसका रिजल्ट है? 14 को भी आई थिंक कुछ रिजल्ट था. रिजल्ट था ना आज? आज किसका रिजल्ट है? एक सेकंड रखो, आज भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. ACC है. ठीक है, इन्फ्लेशन का डेटा ऐसे आया, ज्यादा आया है. क्रूड ऑयल में भी कुछ ज्यादा बड़ा फॉल नहीं आया, फिर भी गैप अप का कुछ रीजन समझ में नहीं आ रहा है. गैप अप होना नहीं चाहिए था, प्योर मैनिपुलेशन जैसा हो रहा है एक्सपायरी में. प्योर मैनिपुलेशन जैसा हो रहा है.
एसीसी का रिजल्ट है, एसीसी का कैंडल तो खराब बना है उसमें, कैंडल खराब है एसीसी का। ले रहा तो है रेजिस्टेंस, यहाँ पे लेना चाहिए इसको, 16,050 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। बट ये कल के जैसे ही कर रहे, सेम टू सेम कल के जैसा हालत है इसका, कल के जैसा ही, कल कैसा सेटअप बना और फिर जोर से दे दिया था वैसा ही कुछ सेटअप बन रहा है। ये देखो ना, फर्स्ट कैंडल का हाई टच किया, कल भी उसने टच किया था अगर आपको याद है। ये देखो फर्स्ट कैंडल का हाई टच किया, फिर गिरा था ये, इसने भी फर्स्ट कैंडल का हाई टच करके अब गिरना स्टार्ट हो रहा है। ये पहला कैंडल का लो ब्रेक किया तो जाएगा ये, हाँ। इतना नेगेटिव न्यूज, इतना नेगेटिव रिजल्ट, फिर भी वही थोड़ा सा ट्रिकी मार्केट है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, 99% ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा अलग मार्केट है या मैनिपुलेटेड मार्केट आप बोल सकते हो। क्योंकि इतना अच्छा सेटअप होने के बाद भी, ये कल भी इसने ऐसा ही किया था और आज भी इसने सेम किया है। वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, वेट करके ट्रेड लेंगे। 16,050 बहुत क्रूशियल लेवल है हमारे लिए, 16,050 बहुत क्रूशियल लेवल है हमारे लिए। कितना उसमें मैक्सिमम कितना है मिस्टर अंसर, मैक्सिमम कितना है उसमें, दो लॉट में इतना? ठीक है ठीक है, ये तो ट्रिकी हो रहा है। ठीक है, 16,050 के ऊपर जाएगा तो फिर हम लोग प्रॉपर सेटअप ट्रेड ले लेंगे, लेकिन ये जा रहा नहीं है। मुझे लग रहा है बुल ट्रैप कर रहा है, अभी क्या लग रहा है उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नीचे आएगा, क्योंकि इतना इन्फ्लेशन रेट ज्यादा आया, क्रूड ऑयल में भी कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं था, तो नीचे आने के चांसेस काफी ज्यादा थे। लेकिन सेटअप ही ये ऐसा बना रहा है। कल S&P 500 देख रहा था, पहले गिरा फिर रिकवरी, डेली चार्ट पे वहां से बेरिश फ्लैग पैटर्न बना है। यूएस में जो इन्वेस्टर है उनकी कमेंट्री रिसेशन, रिसेशन इज लाइकली इन द नेक्स्ट 12-18 मंथ्स बिकॉज बॉन्ड यील्ड कन्वर्ट कर्व इन्वर्टेड हो गया है। हाँ, तब नेगेटिव न्यूज है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा मैनिपुलेटेड हो रहा है। मैं इसको थोड़ा मैनिपुलेटेड बोलूंगा, क्योंकि इतना सब कुछ नेगेटिव के बाद भी, कल इन्फ्लेशन का डेटा आने के बाद 15,840 हो गया था अगर आपको याद है। डेटा वगैरह सब एक्सट्रीमली नेगेटिव है, लेकिन प्योर मैनिपुलेशन है, प्योर मैनिपुलेशन। वेट करते हैं, ये सेटअप के हिसाब से वेट करते हैं थोड़ा। ये भी बैंक निफ्टी तो खराब ही है, बैंक निफ्टी का तो 470 और ज्यादा खराब है। एक मिनट है, स्टॉक स्कैनिंग कर लेते हैं, कोई बैंकिंग वाला स्टॉक अगर दिख रहा है कल के जैसे। अच्छा, इसमें कुछ न्यूज आया है इंडसइंड बैंक में, ईडी का कुछ न्यूज आया है ना इंडसइंड बैंक का, देखा आपने? इंडसइंड बैंक सेज ईडी इन्वेस्टिंग सम एंटिटीज इन फ्यू अ फ्यू एम्प्लॉइज फॉर फाइनेंशियल इररेगुलेटी, देखा?
मुझे तो पता ही नहीं था ये, मैंने तो कल सेल दिया था और काफी अच्छा प्रॉफिट दिया था, बट कल ये न्यूज़ आया था इसमें। यूपीएल गिर रहा है, यूपीएल खराब है, जेएसडब्ल्यू स्टील भी गिर रहा है, एक्सिस बैंक लेकर जाएगा भाई निफ्टी को। मेटल्स डाउन है, मेटल्स नेगेटिव खुले हैं, मेटल्स डाउन है, मेटल्स डाउन है, तो निफ्टी ज्यादा देर ऊपर टिकना नहीं चाहिए। वेट करके ट्रेड लेंगे। वेट करके ट्रेड लेंगे। निफ्टी स्ट्रैटेजी भी जो दिया है ना, उसमें जस्ट एक स्ट्राइक मॉडिफिकेशन करना है, बाकी कुछ नहीं है। वेट करके ट्रेड लेंगे, 2 मिनट और बस। इसके ऊपर कैंडल पूरा क्लोज होने दो। सिप्ला स्ट्रॉन्ग लग रहा है, सिप्ला स्ट्रॉन्ग लग रहा है, वेट, सिप्ला स्ट्रॉन्ग है राइट, बट हमारे फिल्टर में आ जाए इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिल्टर में नहीं आया, थोड़ा वेट करते। ये देखो 16050 मैंने आपको लेवल दिया, वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, एंड ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये जो है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से गिरना चाहिए, गिरेगा तो बेस्ट है, गिरेगा तो ट्रेंडेड हो जाएगा नीचे की तरफ, ट्रेंड आ सकता है। माइंट्री क्या गया, देखो माइंट्री, देखो माइंट्री गिरना चालू हो गया, सिक्सटीन जीरो थर्टी थ्री, चलो नीचे जाने दो। आप बैंक निफ्टी ज्यादा जोर से गिरेगा, बिकॉज बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर ज्यादा खराब है और एक्सिस बैंक वगैरह नीचे है, बैंक निफ्टी ज्यादा जोर, ये कल का सेम पैटर्न बना रहा है, कल जैसा पैटर्न बना के गिराया था ना, कल भी इसने देखो यही किया था, कल गैप अप किया, तीन चार कैंडल कंसोलिडेट किया और फिर जोर से इसने दिया, अभी भी ये यही कर रहा है, गैप अप किया है, टेल्स छोड़ रहा है ऊपर में एंड फिर जोर से दे सकता है। ये समझ में आ रहा है सेटअप, प्लीज रिप्लाई, दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन, कल भी इसने सेम किया था, कल भी गैप अप किया, चार कैंडल कंसोलिडेशन किया एंड बैंग सीधा फॉल, याद है ना, आज भी इसने यही कर रहा है, टेल छोड़ रहा है, देखो ऊपर में, ऊपर में सब टेल छोड़ रहा है, अगर ये लो ब्रेक करता है ना 16,000 के नीचे गया तो फिर पैनिक सेल ऑफ है, फिर ट्रेंडेड आपको एक्सपायरी देखने मिलेगा, बहुत जबरदस्त ट्रेंडेड वाला एक्सपायरी देखने मिलेगा, 16,000 के नीचे आने दो या फिर, इसलिए मैंने हेजिंग वाला स्ट्रैटेजी दिया था कि अगर बड़ा गैप डाउन भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गैप अप हो गया, हाँ नेचुरल गैस में कवर करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी तो होल्ड ही करेंगे, उसमें जो भी 2-3 हजार का लॉस होगा वो नेचुरल गैस में कवर करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में कुछ नहीं कर सकते, बैंक निफ्टी में प्रीमियम बचा नहीं है, बैंक निफ्टी में हमें 400-500 पॉइंट का फॉल मिनिमम चाहिए, 34,500 भी आएगा ना तो भी कोई लॉस नहीं होगा, 500 पॉइंट का मिनिमम फॉल चाहिए, तो ये 16,000 ब्रेक करना चाहिए, 16,000 ये ब्रेक करेगा ना तो चला जाएगा नीचे, 840 अगर ओपन होता तो परफेक्ट हो जाता हमारे लिए ना, 15840 अगर ओपन होता ना आज तो परफेक्ट, बैंक निफ्टी 34,200 के आसपास खुलता, हमारे मैक्स प्रॉफिट जोन के आसपास ओपन होता, बट वो हुआ नहीं।
क्रॉस होने दो, या तो 16,050 क्रॉस होने दो या फिर नीचे गिरना स्टार्ट होने दो, दोनों में से कुछ एक होने दो इसको, उसके बाद ये करेंगे। मिस्टर राजेश आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, आपको मैंने पहले भी बोला बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी करना है, याद है ना मैंने आपको क्लियरली बोला है। मार्केट भी देख लो कैसा है, ऐसा सेटअप बनाने के बाद भी जो सेल सेटअप है वो प्रॉपर बनाने के बाद भी गैप अप हो रहा है, ये मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं, प्योर मैनिपुलेशन है, इसमें आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो बाकी कुछ नहीं। ये देखो ना सेल क्रॉसओवर है, परफेक्ट सेल क्रॉसओवर है, बैंक निफ्टी में भी परफेक्ट सेल क्रॉसओवर है, सब सही है, सब सेटअप सही है, पर गिर रहा नहीं है। स्टॉक देख लेते हैं एक बार, पांच ब्लू चिप कंपनी का रिजल्ट खराब आया है, कौन सी कंपनी, नाम बताओ, चलो नाम बता दो, पांच ब्लू चिप कंपनी का तो रिजल्ट ही नहीं था, कौन सी ब्लू चिप कंपनी। एलटीआई सेल है, एलटीआई सेल है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी रिजल्ट खराब आया क्या, बैंक ऑफ बड़ौदा सेल आया, मुथूट सेल है, मुथूट सेल है, एलटीआई सेल है, यूपीएल सेल है, क्या बात, हिंदुस्तान जिंक बाय आ रहा है, एलटीआई का रिजल्ट, एलटीआई तो सेल आ रहा है, एलटीआई में तो ये कैंडल बना, एलटीआई सेल है, ठीक है, जस्ट वेट वन मिनट, अप ट्रेड मिलना, एक मिनट, मैसेज टाइप कर रहा हूँ, एक सेकंड में। कैंडल, ठीक है, ये ट्रेड ले लो, निफ्टी का चेंजेस ये कर लो फटाफट, निफ्टी का ये चेंजेस कर लो फटाफट, मैसेज किया है देखो मैंने, ये चेंजेस कर लो निफ्टी में, मैसेज समझ में आया ना, प्लीज रिप्लाई। हाँ कर लो, चेंजेस कर लो, रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन। अरे 15,800 स्क्वायर ऑफ करो और 16,16,050, तो वो 3 लॉट स्क्वायर ऑफ कर रहे हो ना, यहाँ पे 4 आपको सेल करना है, दो दो रीड करो, रीड करोगे तो समझेगा ना मैसेज, 15,950 बाय रहेगा, जो 950 बाय किया था वो बाय ही रहेगा,
16 एंड 16 050 दो दो सेल करना है 15800 स्क्वायर ऑफ करके। कल वाला स्ट्रेटेजी का ही है, बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी नहीं है, कल वाला स्ट्रेटेजी का ही है। कल वाला स्ट्रेटेजी का चेंजेस है, कर लो, रीड करो मैसेज, रीड करो क्या मैसेज रीड, समझ में आया? आया समझ में? हाँ कर लो फटाफट कर लो। निफ्टी ने लेवल क्रॉस कर दिया, ये लेवल निफ्टी ने क्रॉस कर दिया, ये लेवल भी निफ्टी क्रॉस 16050, इसके ऊपर तेजी है, ये कप पैटर्न टाइप बना रहा है, ये निकलेगा तो तेजी है, कप पैटर्न बना रहा है ये। कर लो चेंजेस कर लो, और बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी का एमटीएम बता दो फटाफट, बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी का एमटीएम बता दो, 400 रुपए माइनस, बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी स्क्वायर ऑफ कर दो, बिकॉज उसमें अननेसेसरी लॉस ही होगा, 2000 के आसपास का मैक्सिमम लॉस है, तो स्क्वायर ऑफ कर दो, उसके बदले बैंक निफ्टी का एक्सपायरी स्ट्रेटजी हम लोग ले रहे हैं। मार्जिन फ्री रखो, बैंक निफ्टी एक्सपायरी स्ट्रेटजी ले रहे हैं हम लोग उसके बदले। क्या बात है, बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी स्क्वायर अप कर दो, उसका मार्जिन फ्री रखेंगे और निफ्टी का एडजस्टमेंट दे दिया है। एक्सपायरी स्ट्रेटजी करेंगे, इसी को एक्सपायरी में कन्वर्ट करेंगे, जाने दो ऊपर 16060 16050, ये ऊपर जाएगा, निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये ऊपर 16050 के ऊपर सस्टेन कर रहा ना, निकल जाएगा ये ऊपर। फटाफट बाइंग वाला कोई देख लेते हैं स्टॉक, अगर मिल रहा है क्या, क्या बात है, टाटा कंज्यूमर मिला, ये चल रहा है, टाटा कंज्यूमर का कैंडल नहीं है, इतना नहीं है, सन फार्मा ज्यादा बेटर नहीं, सन फार्मा एचडब्ल्यू बना रहा है। रिलायंस सपोर्ट कर रहा है आज, रिलायंस सपोर्ट कर रहा है और रिलायंस बाय आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है, रिलायंस बाय आ रहा है आज। मैसेज किया, देखो रिलायंस बाय आ रहा है, रिलायंस बाय आ रहा है, रिलायंस गिरने नहीं देगा निफ्टी को। कर लिया ना चेंजेस, प्लीज रिप्लाई फटाफट, चेंजेस कर लिया ना, निफ्टी का चेंजेस किया, यस और नो, कर लिया ना, ठीक है ठीक है, कर लो चेंजेस कर लो, ये निकल जाएगा ऊपर। मैंने 16050 वाला पी जो है थोड़ा क्वांटिटी एक्स्ट्रा सेल किया है, 16050 वाला पी थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी सेल किया, बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी स्क्वायर ऑफ किया है, ठीक है, बैंक निफ्टी का स्ट्रेटजी मैं दूंगा, अभी फिलहाल मार्जिन रखो, एक बार के लिए पहले मार्जिन रखो,
निकला ये ऊपर, निकला ये ऊपर निकला है, तो ये कप पैटर्न बना दिया इसने, कप पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है ये, कप पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है ये देखो यहाँ पे 16050 कप पैटर्न है, कप पैटर्न के हिसाब से एक्सपायरी आता है 78 पॉइंट, मतलब 16150 के आसपास, 16150 16200 के आसपास एक्सपायरी पॉसिबल है आज। तो सबसे बेस्ट चीज क्या रहेगा वो चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है ठीक है, जाएगा ये ऊपर, जाने दो इसको, एक्सपायरी एक्सपेक्टेड क्या घुमाते हैं ये लोग, एक्सपायरी बहुत जबरदस्त लेवल घुमाते हैं। क्या रिवर्स किया है इन लोगों ने, कल तक एक्सपायरी 15900 15850 लग रहा था, एंड आज मॉर्निंग में सडनली इन लोगों ने पूरा एक्सपायरी का लेवल ही चेंज कर दिया। निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है, निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। ठीक जाने दो इसको ऊपर, ऊपर जाएगा तो अच्छा है हमारे लिए, फिर क्या हम लोग एक्सपायरी जो प्लान कर रहे हैं ना उसके हिसाब से ही बैंक निफ्टी का मार्जिन यूज करके एक्सपायरी स्ट्रेटेजी में ही ध्यान देंगे थोड़ा। जाने दो इसको ऊपर, चलने दो इसको, ये निकल जाएगा 150 तक लग रहा है, ये निफ्टी यहां तक इजीली लग रहा है। और ये लेवल क्रॉस करता है तो ये लेवल तक आ सकता है, ये ध्यान देना पूरा घुमाया है इसने, क्लियरली बेट ट्रैप किया इसने, कप पैटर्न के साथ बेट ट्रैप किया इसने। ये देखो 15 मिनट के चार्ट पे बाई क्रॉस ओवर भी आ रहा है, ये घूम जाएगा भी बहुत जोर से ऊपर की तरफ घूमने वाला है, ये शॉर्ट बिल्कुल भी मत करना निफ्टी बैंक निफ्टी, फंस जाओगे, शॉर्ट मत करना आज, आज बेयर ट्रैप लग रहा है क्लियरली, ऊपर की तरफ फास्ट मूवमेंट हो सकता है।
मार्जिन सिर्फ इसलिए हाथ में रखा है ना, बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी स्क्वायर ऑफ इसलिए करवाया मैंने ताकि हमारे पास मार्जिन हाथ में रहेगा, और मार्जिन हाथ में रहेगा तो हम लोग निफ्टी स्ट्रेटेजी में इजीली खड़े रह सकते हैं और उसमें क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी चल रहा है, एक मिनट। बैंक निफ्टी के 35,000 के कॉल में शॉर्ट कवरिंग सिग्नल आया है, 35,000 के कॉल में शॉर्ट कवरिंग सिग्नल आना स्टार्ट हुआ है। बैंक निफ्टी भी भागेगा, निफ्टी भी भागेगा। शॉर्ट ट्रैप हुआ है बैंक निफ्टी के 35,000 के कॉल में, थोड़ा ध्यान देना। बैंक निफ्टी ऊपर खींच सकता है 200-300 पॉइंट इजिली, और निफ्टी भी ऊपर खींच सकता है। निफ्टी में भी शॉर्ट ट्रैप हुआ है 16,050 के कॉल में, 16,050 के कॉल में शॉर्ट कवरिंग चालू हो गया है। क्लियर बेयर ट्रैप बनाया इसने, सेलर्स को ट्रैप किया है। कल कल का शॉर्ट पूरा ट्रैप करेगा ये, और ऊपर तक ट्रैप करेगा लग रहा है। बाइंग वाले स्टॉक में एक बार चेक कर लेते हैं, रिलायंस मैंने बाय दिया है, और देखते हैं और कोई स्टॉक रडार पे आ रहा है क्या। हिंदुस्तान जिंक आया हुआ है, बाकी देखते हैं। सन फार्मा है, बजाज फिनसर्व है, ठीक है, HDFC बड़ा वाला चल रहा है, ठीक है। HDFC और कोटक दोनों चल रहा है, बड़ा वाला HDFC एंड कोटक दोनों चल रहा है। खुलेआम तेजी है, खुलेआम तेजी है। टी वगैरह सेल करना है उसको एज इट इज रखो, क्वांटिटी इसका इंक्रीज कर दो ना, 16,000-16,050 का, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा सर। इसमें चाहिए तो एक एक लॉट और इंक्रीज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो 16,100 का भी सेल कर दो, उसको एज इट इज हेजिंग के लिए रखो, उससे मार्जिन आपका कम होगा, राइट, उससे आपका मार्जिन कम होगा, इसीलिए मैंने किया, और कुछ नहीं है। मार्जिन अगर है आपके पास तो वो एग्जिट कर दो, काम करता हूँ, मैसेज कर देता हूँ मैं। मैसेज मिला, चेक कर लो जरा, मिला मैसेज, समझ में आया मैसेज, चेक कर लो मैसेज। मिला ना मैसेज, यस यस, ये कर लो, चेंजेस कर लो। स्टॉक में सिर्फ रिलायंस दिया अभी तक, और कुछ मैंने दिया नहीं है, बट बड़ा बड़ा HDFC और कोटक ये दोनों चलना स्टार्ट हुआ।
बड़ा वाला एचडीएफसी और कोटक दोनों चल रहा है। कोटक में काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ बाई हुआ है, कोटक भागेगा। कोटक का चार्ट देखो, कोटक चलेगा, कोटक बैंक पे ध्यान दो, कोटक भागेगा। कोटक नॉन स्टॉप है, कोटक पे ध्यान देना। कोटक का स्विंग ट्रेड का भी मैंने मैसेज दिया है। कोटक देखो यहाँ पे, कोटक में क्लियर ब्रेकआउट है, दिख रहा है कोटक में क्लियर ब्रेकआउट है। कोटक दिखा, मिस्टर आशीष, मिस्टर धीरज, कोटक दिख रहा है ना, क्लियर ब्रेकआउट है, क्लियर। कोटक मिस मत करना, एकदम क्लियर ब्रेकआउट है। निफ्टी का कौन सा स्टॉक सपोर्ट कर रहा है एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। बड़ा वाला एचडीएफसी भी चल रहा है, बड़ा वाला एचडीएफसी भी ब्रेकआउट दिया है इससे, पर इसका इतना सेटअप नहीं है। कोटक का बहुत अच्छा सेटअप है, कोटक का बहुत अच्छा सेटअप है। सन फार्मा देख लेते हैं एक बार, सन फार्मा भी सेम पैटर्न है, सन फार्मा में भी सेम पैटर्न है, सेम सेटअप है, ये भी चलेगा, इसमें भी सेटअप क्लियर है एकदम, ये भी चलेगा। सन फार्मा, सन फार्मा में भी ध्यान देना, ये दोनों स्टॉक है जो चलेंगे, दोनों स्टॉक पे ध्यान दो, कोटक और सन फार्मा। निफ्टी में पैनिक होने का जरूरत नहीं है, निफ्टी में हम लोगों ने 16,000, 16,050 ये सेल किया हुआ है और मार्जिन हाथ में रखा है, मैंने तीन तीन किया हुआ है और मार्जिन हाथ में रखा है, तो कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं है। तीन तीन लॉट मैंने सेल किया, मार्जिन हाथ में रखा है, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजीज को रफ करवाया ताकि मार्जिन हाथ में रहे और कुछ पैनिक होने का जरूरत ना पड़े। हाँ तीन तीन कर लो बस, तीन तीन लॉट मैंने भी किया है और मार्जिन हाथ में रखो, कुछ मैंने बोलने का जरूरत नहीं है। रिलायंस, हाँ नहीं ये टेस्ट कर रहा है, ये लेवल टेस्ट किया, देखो ना मूवी के एवरेज टेस्ट करने आया है, देखते हैं मूवी के एवरेज टेस्ट किया इसने, और कुछ नहीं है। इसका भी सेटअप स्ट्रांग है, ये भी गिरेगा नहीं है रिलायंस, आज तो नहीं गिरेगा ये, आज तो इसमें गिरने के चांसेस कम है, आज इसका सेटअप स्ट्रॉन्ग है।
निफ्टी थोड़ा सा नीचे आया है, पर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर से ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वापस पूरा रिकवरी कर सकता है, उसके चांसेस ज्यादा है। तो जब तक ये मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के ऊपर है ना, तब तक कुछ पैनिक होने का जरूरत नहीं है। दस बजे का कैंडल बहुत अच्छा क्लोज हुआ है, तो 10 बजे के कैंडल को अगर रेस्पेक्ट करें तो उसके हिसाब से तेजी है, 125-150 ये टारगेट आता है, ये लेवल कह रहा हूँ। ठीक है मिस्टर देवेनिवार, मार्जिन हाथ में रखो, कुछ भी पैनिक होता है तो हम लोग एडजस्टमेंट के लिए मार्जिन हाथ में रखते हैं ताकि पैनिक नहीं हो, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी स्क्वायर ऑफ करवाया। मनापुरम मैं निकाल देता हूँ, BSE एक बार निकाल देता हूँ, माइंट्री का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है माइंट्री का ये वाला पी क्या चल रहा है एक बार देख लेता हूँ। ठीक है माइंड्री भी मैं रिमूव कर देता हूँ और रिलायंस यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, रिलायंस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है रिलायंस चलेगा ना तो निफ्टी भी चलेगा, रिलायंस और निफ्टी ये दोनों पे ध्यान देते हैं। सिक्सटीन जीरो फाइव जीरो के ऊपर है तब तक कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, 1 साइकिल ऊपर ही जाने वाला है, और रिलायंस 2400 के ऊपर चाहिए, 2400 बहुत क्रूशियल लेवल है, वो क्रॉस करता है तो फिर 2425-30 तक इजीली आ जाएगा रिलायंस, ये लेवल्स पर थोड़ा ध्यान दो। मार्जिन हाथ में रखना, पैनिक बिल्कुल भी मत होना। कोई तो स्टॉक है जो निफ्टी को ड्रैग करना स्टार्ट हुआ है, 1 सेकंड ना, कोई तो एक स्टॉक है जो निफ्टी को ड्रैग कर रहा है नीचे की तरफ, मेटल्स ड्रैग करना चालू हो गया है, JSW स्टील गिरना स्टार्ट हो गया है, TCS भी गिर रहा है, मेटल्स गिरना चालू हो गया है। ठीक है ठीक है मार्जिन हाथ में रखो, कुछ भी अपडेट रहा मैं तुरंत आपको व्हाट्सएप करूंगा। ओपन पोजीशन में निफ्टी 16,000 एंड 16,050 पी, तीन तीन लॉट सेल है।
परफेक्ट है, यस और नो प्लीज रिप्लाई। यही ओपन ट्रेड है राइट? करेक्ट। मार्जिन हाथ में रखना, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना। 2:30 बजे मिलते हैं आफ्टरनून वेबिनार में। हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू।